नमस्कार, एनसीटीसी के लाइव इंटरएक्टिव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा त्रिपाठी। आज का सेशन शुरू करने से पहले आइए आपको आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। आज इस कार्यक्रम में क्लास वन के स्टूडेंट्स के लिए हम इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपोजिट वर्ड्स के बारे में। इसके बाद यानी 11:30 बजे हम क्लास फोर के बच्चों के लिए जानेंगे हाउ न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज्ड एज रिसोर्सेज इन एनवायरमेंटल लर्निंग एनवायरमेंटल स्टडीज लर्निंग। आप ये भी ध्यान रखिए कि बच्चों, आपके साथ आपके पेरेंट्स भी अगर होंगे तो ये सब कुछ आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो एक्टिविटीज आपको सिखाई जाएंगी वो आपके पेरेंट्स आपकी मदद करेंगे करने में। इसके बाद 12 बजे वी विल लर्न अबाउट प्री नंबर वोकैबुलरी फॉर क्लास वन, और 12:30 बजे समय होगा एक कहानी का कक्षा पांच के लिए। दोपहर 2 बजे कक्षा सात के लिए मैथ्स की क्लास होगी इंटीजर्स के बारे में। 2:30 बजे बात करेंगे इतिहास की कक्षा छह के लिए, कार्यक्रम का नाम होगा लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। 3 बजे साइंस की क्लास होगी जिसमें बात होगी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अराउंड अस की। और 3:30 बजे कक्षा छह के लिए उर्दू की क्लास में हम पढ़ेंगे नज्म की तदरीस और मिट्टी का दिया। तो ये थे आज के कार्यक्रम, अपनी अपनी क्लास के हिसाब से नोट कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभी का सेशन। आप देख रहे हैं हमें स्वयं प्रभा के किशोर मन चैनल पर, साथ ही आप हमें देखते हैं एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भी। बात करेंगे अपोजिट्स की और हमारे साथ जुड़ रही हैं नीरज कुमारी जी। आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में कोर एकेडमिक यूनिट में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी हैं। आपका स्वागत है नीरज जी। नमस्कार, नमस्कार सभी को। थैंक यू नेहा मैम। जी जी, तो हम शुरू करते हैं आपसे बातचीत शुरू करते हैं। मैं तो कुछ सेकंड और लूंगी आपके, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर उनके पास इससे जुड़े कोई सवाल है, कोई भी बात वो हमसे करना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए 1800111265 और 1800112199। इसके अलावा अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो एनसीईआरटी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में भी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई फीडबैक है, आपके कोई सवाल है, अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ciet.kishormanch@gmail.com। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं और आप चाहते हैं कि वो हम भी देख सके तो आप YouTube चैनल पर उसे अपलोड करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लिंक इसके अलावा अगर आपने कोई फोटो कोई वीडियो अगर बनाया है और वो आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो एनसीईआरटी को टैग करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए नीरज मैम, आज की बातचीत शुरू करते हैं अपोजिट वर्ड्स के बारे में। आज हम क्लास वन के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। इतने छोटे बच्चों को अपोजिट वर्ड्स पढ़ाना कोई खास तरीका बताइए हमें। इतने छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, तरीके तो सबके लिए अलग अलग ही यूज करने होते हैं। So today we are going to talk about opposite words. But before we go to the opposite words, can we do a simple rhyme? So are you all ready? You can use this as a warm-up exercise also. So look how I am doing. Try to do like this. You have to copy it. तो जैसे मैं करती हूँ वैसे ही आप करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों हाथ अपने सामने लाएंगे, पुट योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड मूव लाइक दिस एंड से रोली पोली रोली पोली। कैन यू ट्राई इट? ओके, लेट्स गो। रोली पोली रोली पोली, रोली पोली रोली पोली। राइट, नाउ वी आई विल एड टू वर्ड्स after it and you have to copy it, the action as well as what I speak. Roly poly roly poly, roly poly roly poly, roly poly up up up, roly poly down down down. Could you do that? Very good. So once again we will do roly poly up up up, roly poly down down down, roly poly right right right, roly poly left left left. Could you do that? Are you enjoying? Okay, one last. Roly poly, slow, slow, slow. Yes, slow, slow, slow. Roly poly, fast, fast, fast. Yay! Okay, so this is the rhyme we can do with our students, also with our children. So if any child is looking at it, so you can also do this. And if any parent is looking at it, you can do it with your children also. So now,
मूविंग ऑन आवर टॉपिक टुडे, अपोजिट वर्ड्स. सो नेहा मैम, व्हाट डू यू थिंक, अपोजिट वर्ड्स आर एक्चुअली अपोजिट लाइक द टर्म सजेस्ट? ना, लाइक वी इवन से मदर, फादर, अंकल, आंट, दीज आर ऑल्सो अपोजिट वर्ड, बट दे कम इन टू जेंडर कैटेगरी ऑल्सो. So this is a confusion for me at least. Yeah, yeah. Actually, it's a confusion also, and everybody knows about it. Huh. At our home, the child is not a blank state, you know. बच्चों को पता होता है कि what is दूर, what is near, right? So बच्चों को पता है कि बड़ा क्या है. You know, we use our expression. If you say a child, give me the big toffee, give me the small chocolate. They understand what is a small and what is big. They have it in their lives, but when we take any textbook and it becomes separate from the life. So opposite words are there in their life. We need not to teach them, but we just need to explore and underline what is there in their lives. So moving on, I'll share a PPT, and through sure. the PPT, we'll talk about the opposite words. Sure. May I share the screen? Yes, of course, and we will learn more about opposite words because as ma'am ने जैसे अभी हमें दिखाया poem के जरिए, तो ma'am ने up बोला फिर down बोला, ये दोनों opposite words हो गए. ma'am ने right बोला और left बोला, वो दोनों भी opposite words हो गए. slow और fast, ये भी opposite words हो गए. तो ये अच्छा तरीका है opposites को learn करने का, और छोटे बच्चे enjoy भी करेंगे. ma'am की slides देखेंगे तो और समझ आएगा कि कौन कौन से opposite words हम सीख सकते हैं. यस मैम, आपने बिल्कुल सही बोला. जो अभी हमने राइम की उसमें हमने डायरेक्ट प्रीच भी नहीं किया कि राइट का लेफ्ट होता है, अप का डाउन होता है. वी वर जस्ट प्लेइंग विद इट एंड द स्टूडेंट्स सीइंग द जेस्टर्स कुड गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड. सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. यस, यू कैन शेयर द स्क्रीन मीनवाइल. और इसमें क्या क्या है हम बच्चों के लिए? वाओ, द स्लाइड्स आर ब्यूटीफुल, ग्रीनरी ऑल अराउंड. So basically we are focusing on class 1 students. They are 5 or 6 year olds. And the points of discussion today are: what are opposite words? What do we mean by opposite words? Then I'll talk about learning outcomes and opposite words. How are they related to each other? And class appropriate opposite word. By this I mean, what are the opposite words we can use for class 1 child? And how to learn opposite words. Yeah, that is a main point of today's discussion, that how to learn these words. So, opposite words. Can you see the slide, ma'am? Opposite yes, words. It is perfect. These words are actually contrary in their meanings. A word that expresses a meaning opposed to the meaning of another word. So, it is always relational. They are always related to each other. We cannot say a thing which is good cannot be bad. So both the terms are related to each other. If it is as hard, then something can be soft. So they are opposing each other. Actually, these words are of several types. जैसे hot and cold are on a continuum. अगर किसी चीज का temperature बढ़ता जाएगा तो वही चीज hot होती जाएगी. अगर उसी चीज का temperature कम होता जाएगा तो वो cold हो जाएगी. यानी कि वो एक ही कॉन्टिन्यूम के दो एंड्स हो सकते हैं, या फिर वो रिलेशनल हो सकते हैं. जैसे मदर फादर, मदर एंड फादर आर नॉट ऑपोजिट वर्ड्स एक्चुअली, बट दे आर द रिलेशनशिप. दे आर इन अ रिलेशनशिप, देयरफॉर दे आर ऑपोजिट. एक्चुअली दे आर रिलेशनल ऑपोजिट, बट वी काउंट देम इन ऑपोजिट्स एज वेल एज इन जेंडर ऑल्सो. सो माता पिता, and in every language there are opposite words. There is no language which is without opposite words. Even in Hindi or any home language, we call them vilom shabd or any other kind of shabd, but they are always there in any language. So the child is using these words at his home, and we just need to underline them. Okay, now how can we bring opposites in the life of a child? So there are very various methods we can use. We'll talk about them later. For example, story, using a poem like we did in Roly Poly, or any hands-on activity, or we can use worksheet with the children and drawing, and we can use sight words to teach opposites in their life. But some things are important to keep in mind while dealing with opposite words. For example, expressions. If you are teaching a child good, and if you do this, wow, very good, then
द मीनिंग ऑफ गुड इज डायरेक्टली सेंड टू द चाइल्ड, ही विल एकदम से उसे पता चल जाएगा कि ओ गुड, वेरी गुड, बैड. सो आर एक्सप्रेशंस एंड द वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. इफ वी नीड नॉट टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ गुड एंड बैड, बट विद द जेस्चर और एक्सप्रेशन वी कैन टेल द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, हॉट एंड कोल्ड. सो हॉट and cold. So our expressions tell a lot to the child. And if we show incorrect expression, if I do good, 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 the meaning that reflects on the face is not related to the word. So we need to be very careful with our expressions and gestures. For example, if I want to teach my students big and small, so I'll do my hands like this. There was a big, big house and there was a small house. So these gestures help a teacher or a parent a lot to describe these opposite words. Also, tall. There was a very tall human being and a short baby. So go, 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 go. Come, come. So these hand gestures and other expressions tell a lot to the child about the opposite word. ये वर्ड जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हमें बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में ही, बच्चे के संदर्भ में यूज करने होंगे. हम सिर्फ ये रटा के नहीं सिखा सकते कि माता पिता, मदर, फादर, गुड, बैड, गो, कम, बट ये एक किसी सेंटेंस में, किसी कॉन्टेक्स्ट में हमें बच्चे के साथ यूज करने होंगे. अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेरेंट्स भी घर में अपने बच्चों के साथ इन वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज करते ही हैं, तो उन्हें सिर्फ इंट्रोड्यूस करने हैं ये वाले अंग्रेजी वाले शब्द, और उन्हें हिंदी वाले मीनिंग तो पता ही होंगे. और ये इंटरेक्शन किसी भी लैंग्वेज में की जा सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, कोई भी उसकी होम लैंग्वेज हो सकती है. तो बच्चे को जो पहले से पता है वहां से शुरू करते हुए हमें वहां तक ले जाना है जो हमारा एम है, जो हमारे आउटकम्स हमें अचीव करने हैं. अगर हम स्टार्टिंग में बच्चे की होम लैंग्वेज से शुरू करेंगे तो बच्चे में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यस आई नो इट, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, है ना. तो अगर हम रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बच्चे में भी कॉन्फिडेंस आएगा और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा. अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कैसे हम स्टोरीज, पोएम्स या दूसरी एक्टिविटीज के थ्रू कैसे सिखा सकते हैं. बीच में एक छोटा सा सवाल है व्यूअर्स का, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी. वो समझना चाह रहे, वैसे तो आपने अभी बताया कि ये सारे रिलेशंस होते हैं, पर फिर भी उनका एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि ब्रदर का अपोजिट क्या होगा, सिस्टर या सिस्टर इन लॉ. ओह वेरी गुड. एक्चुअली दोनों ही रिलेटेड टू ब्रदर है. ब्रदर का अपोजिट सिस्टर भी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप हम यहाँ पर शो कर रहे हैं. तो ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जो एक दूसरे से रिलेटेड भी है और किसी मायने में अलग भी है, तो हम उसको ऑपोजिट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं. ठीक है, अभी हम चलते हैं एक स्टोरी की तरफ. हाँ जी, स्टोरी सुनते हैं. वंस देयर वाज अ टॉल जिराफ, बहुत लंबा जिराफ, एंड अ शॉर्ट माउस. एंड द जिराफ वाज सो टॉल दैट इट कुड ईट लीव्स even of tall trees. You know, it was so tall. Its neck was so tall. And there was a short mouse. The mouse was so short that it could enter any hole in the ground, even small holes. Now, a friend, monkey, came to the giraffe and mouse and he built a house for them. Can you identify the house? Which is the house of giraffe and which is the house of rat? बच्चों क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा घर जिराफ का होगा, कौन सा घर चूहे का होगा? मुझे लगता है बच्चे पहचान जाएंगे कि पिंक वाला घर जो है वो येलो जिराफ के लिए है और ब्लू वाला घर जो है वो छोटे से माउस के लिए है. जी, तो जिराफ का साइज बड़ा है तो वो बड़े घर में रहेगा, चूहा छोटा है तो छोटे घर में भी रह सकता है, राइट. तो हमने रिलेशन देखा कि जिराफ और हाउस. पर्पल कलर का हाउस इज फॉर येलो कलर का जिराफ एंड माउस के लिए छोटा वाला ब्लू वाला घर. उज्मा है हमारी व्यूअर, उनका जवाब आ भी गया, दैट पिंक फॉर जिराफ एंड ब्लू फॉर माउस. वेरी गुड. तो आपने स्टोरी को ध्यान से सुना
और समझा स्टोरी को तभी आप रिप्लाई कर पाए. और टॉल जिराफ, यू नो टॉल इज अपोजिट ऑफ शॉर्ट, टॉल इज अपोजिट ऑफ शॉर्ट. तो अभी हम एक पोएम भी देखते हैं, आगे चलते हैं. ये वही पोएम है जो हमने स्टार्टिंग में की थी, रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन, रोली पोली राइट राइट राइट, रोली पोली लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. अब इन और आउट के लिए हम कैसे करेंगे, रोली पोली इन इन इन, रोली पोली आउट आउट आउट. सो इस तरीके से हम पोएम की स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं अपने बच्चे की लेवल के हिसाब से. आपको लगता है कि बच्चे ने एकदम से उसको ग्रेस्प कर लिया है तो हम स्पीड और पेस को चेंज कर सकते हैं. अगर लगता है कि बच्चे को अभी इसी पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो हम इसको रिपीट करवा सकते हैं. इवन हम सब मिलके, पेरेंट्स मिलकर भी इस एक्टिविटी को एक साथ करेंगे तो बड़ा मजा आता है बच्चों को. अभी हम एक और एक्टिविटी देखते हैं. ये एक्टिविटी हम अपने बच्चों के साथ अपने घर पर ही कर सकते हैं. इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, हमें कोई भी दो बड़ी ट्रेज और प्लेट्स लेने होंगे, वन बिग एंड वन स्मॉल. कुछ हमें चीजें इकट्ठी करनी होंगी लाइक पेंसिल, पेन, पिन, बॉल, बाउल, ग्लास, स्पून ऑफ डिफरेंट साइजेस. अब हमें बच्चे को बोलना है कि आप ये सारी चीजें देखिए और एक एक करके उठा करके बिग जो चीज है, बड़ी चीज है, उसको बिग ट्रे में रखेंगे और स्मॉल जो थिंग है, ऑब्जेक्ट है, उसको स्मॉल ट्रे में रखेंगे. और वन बाई वन जब आप उसको रखेंगे तो साथ में बोलेंगे बॉल बिग एंड बॉल स्मॉल, बिग स्मॉल. इससे क्या होगा कि बच्चे का स्मॉल और बिग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और कॉन्क्रिटाइज होगा, उसे हाथ से कुछ करने का मौका मिलेगा तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा. ये एक एक्चुअल इमेज है. एक बच्चा जब इन चीजों को कैटेगराइज कर रहा है, सबसे पहले उन्होंने येलो कलर के दो बाउल्स लिए, वन बिग वन स्मॉल, वन बिग बॉल वन स्मॉल बॉल एंड लाइकवाइज स्पून. तो इस तरीके से हम बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं और बच्चे अपने आप ही इस एक्टिविटी को करेंगे. दे वुड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, बिग एंड स्मॉल. आई वुड सजेस्ट द पेरेंट्स एंड द टीचर्स दैट टेक ओनली टू और थ्री वर्ड्स at a time, especially opposite words. And if you mix at this level more than two or four words, then the students would get confused. So start with only two words and then move on as per their level of understanding. So this is another game, in and out. So what you have to do, you have to draw a circle on the ground using chalk or pencil, and then you have to ask the child to jump in and jump out. So when you say jump in, the student would jump into the circle. And when you say jump out, then he would or he or she would jump out of the circle. So in and out, this is a game that students love to play. Even the parents can do this at home, one by one they can and check how fast they can do it. In, out, and we can stop. We can again say out, out, out. Then the student needs to be concentrated on the outward set. This is another game, the topsy-turvy land, उल्टा पुल्टा शहर. बच्चे को हम बताएं कि एक बार की बात है, एक उल्टा पुल्टा शहर था. उसमें क्या होता था, सारे काम उल्टे होते थे. जैसे हमारे यहाँ बस कहाँ चलती है, रोड पर चलती है, लेकिन उस शहर में रोड पर नहीं चलती थी, हवा में चलती थी. तो उल्टा हो रहा है, वहां पर एरोप्लेन हवा में नहीं उड़ता था, रोड पर चलता था. तो इसी तरीके से चलो आज हम अपने घर को उल्टा पुल्टा शहर बनाते हैं. जब भी मैं आपको बोलू हैंड्स अप तो आपको हैंड्स डाउन रखने हैं, जब मैं आपको बोलूं स्टैंड अप तो आपको सिट डाउन करना है. तो ये क्या होगा कि एक गेम ही रहेगा और उस गेम के थ्रू हम ऑपोजिट वर्ड्स बच्चे के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. यू विल से क्लोज द डोर, द चाइल्ड हैज टू ओपन द डोर. यू हैव यू इफ यू से स्पीक, द चाइल्ड हैज टू कीप क्वाइट. सो दिस इज द गेम वी कैन प्ले विद चिल्ड्रन एट देयर होम ओनली, एंड दिस is the way they would experience the opposite words. Only reading would not be sufficient, especially at this level, they need to live these words. After giving an idea of these opposite words, small, big, short and tall, the parents can give these worksheets also. I mean, worksheets ko denne ke liye
जरूरत नहीं है कि कोई प्रिंटर आपके पास हो, कोई बहुत बढ़िया सा पेज आपके पास हो, इवन यूज पेजेस पर भी आप इन बच्चों को दे सकते हैं। अपने हाथ से छोटी छोटी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चे को कलर करने के लिए दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्कशीट अगर हम देखें, यहाँ पर आपको सर्कल द स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड कलर द बिग ऑब्जेक्ट, तो जो छोटी चीजें होंगी उनको सर्कल करना है और जो बड़ी चीजें उनमें कलर करना है। तो पहले बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे विच इज स्मॉल एंड विच इज बिग ऑब्जेक्ट एंड दे नीड टू कलर एंड सर्कल देम। तो इस तरीके से क्या होता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, उनकी स्किल्स, मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रही है, साथ साथ उनको करने में मजा भी आ रहा है। और ये आसानी से आप अपने हाथ से ही घर में ड्रॉ कर सकते हैं, पेरेंट्स टीचर्स कोई भी, इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी प्रिंटिंग की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक वर्कशीट। आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक बच्चा सो करके उठा है और एक बच्चा सो रहा है। अब द टास्क इज दैट यू हैव टू ड्रॉ सम पिक्चर्स इन द स्काई। जो विंडो में से स्काई दिखाई दे रहा है उसमें आपको पिक्चर्स बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा सो करके उठा है, यानी कि उसके स्काई में क्या क्या चीजें होंगी, क्या वहां पर मून होगा, स्टार्स होंगे, या सन होगा, या रेनबो होगा। तो बच्चे को पिक्चर रीडिंग करके उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है कि यहाँ डे है तो सन होगा, इस तरफ नाइट है तो मून होगा। तो डे एंड नाइट का जो उनका खुद का एक्सपीरियंस है, हम उसको वर्कशीट के थ्रू यहाँ पर ला सकते हैं, उसके लिए अलग से प्रीचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस तरीके से काफी सारी एक्टिविटीज और कर सकते हैं बच्चों के साथ, जैसे हॉट कोल्ड के लिए हमने किया जेस्चर्स के थ्रू, गेम्स के थ्रू, और भी चीजें जैसे हैप्पी सैड। तो हमारा फेस काफी कुछ कह सकता है, हैप्पी एंड सैड, हैप्पी एंड सैड। हम बच्चों के साथ गेम्स भी कर सकते हैं इस तरीके से। नहीं, हमें काफी सारे गेम्स हैं जो फास्ट, स्लो, ओपन, क्लोज, शट, इस तरीके से अलग अलग जेस्चर के साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन वर्ड्स के क्या मीनिंग है। आजकल के बच्चे जिस तरह से हाईटेक हैं, तो वो बहुत सारे इमोजीज भी इस्तेमाल करते होंगे, आप जानती हैं, खेलते हुए या मैसेज करते हुए या पेरेंट्स को देखते हुए इमोजीज बहुत ज्यादा यूज होती है। तो उनसे भी, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी बहुत सारे, गुस्से वाला फेशियल एक्सप्रेशन है, हंसने का है, उदास होने का है, ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन जो है उनसे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, मेरा खुद का अनुभव भी यही कहता है। जी रेहा मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। और व्हाट्सएप की दुनिया में तो इमोजीज की और भी ज्यादा जरूरत होती है। इवन व्हेन अ चाइल्ड रीड्स अ सेंटेंस एंड अटैचेस अ इमोजी टू इट, दैट मींस ही हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इमोजी, व्हाट द इमोजी इज सेइंग, लाइक हैप्पी फेस, सैड, एंग्री, सैड फेस। सो दीज एक्सप्रेशंस विच आर देयर इन द इमोजीज ऑल्सो हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द ऑपोजिट वर्ड्स। We can use these emojis as a worksheet also, and we can do these actions or expressions with the children. So I hope जी, और जैसे कि कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, उनसे बच्चे बहुत रिलेट कर पाते हैं। तो अगर कोई कार्टून कैरेक्टर देख रहे हैं, उसके हैप्पी सैड फेस से या उसके एक्सप्रेशन से, वो जिस तरह से बात कर रहा है, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये भी अपोजिट वर्ड से, इस तरह से कुछ भी लर्निंग के लिए बच्चों को बहुत हेल्प करता होगा। जी बिल्कुल, जो उनकी लाइफ में ऑपोजिट वर्ड्स है, हमें वही बच्चों के साथ डील करने हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्लास वन के बच्चों को ये पांच ऑपोजिट वर्ड्स पता होने चाहिए। एक बच्चे का लेवल उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक बच्चे को हार्ड वाले, जो हमें लगता है कि क्लास वन के बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, वो वाले भी पता हो, क्योंकि उसके घर में वो एनवायरमेंट में यूज होते हैं। हो सकता है कि हैवी, लाइट का कॉन्सेप्ट उस बच्चे को ज्यादा पता हो, जिसके घर में कुछ सामान खरीदा बेचा जाता है तोल करके। तो हमें बच्चे का जो होम एनवायरमेंट है, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू बिल्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द होम एनवायरमेंट, एंड वी कैन टीच हिम मोर एंड मोर अपोजिट्स, सो दैट ही कैन यूज दोज अपोजिट्स इन हिज और हर लाइफ। हमारे व्यूअर का एक सवाल भी है, उज्ज्वला जी हैं, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इनटू। इनटू, इन आउट तो हम बता रहे हैं, इनटू का अपोजिट कैसे पता चले? एक्चुअली जंप इनटू इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, सो जंप आउट वुड बी द कंटिन्यूअस रिलेटेड अपोजिट ऑफ दिस।
इन इज अ स्टेबल पोजिशन, इन द चाइल्ड इज इन टू इन द सर्कल एंड आउट वुड इट वुड बी स्टैंडिंग आउट ऑफ द सर्कल. पर हम जहां इनटू की बात करते हैं, हम मूविंग की बात कर रहे हैं, हम बाहर से अंदर एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि उसने बाहर से अंदर जंप किया, तो उसका अपोजिट रिलेटेड होगा कि अंदर से वो बाहर जंप करे, जंप आउट ऑफ द सर्कल. सो रिलेटेड ही होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स एक दूसरे से, और हम उस रिलेशन को देखकर ही उसका ऑपोजिट बनाते हैं. अब चाहे वो माता पिता, मदर फादर हुआ, कोई बाकी के रिलेशंस हुए, ह्यूमन रिलेशन, या हॉट एंड कोल्ड टाइप एक्सट्रीम ऑपोजिट्स एंटोनिम्स हुए. एक्चुअली ये जो रिलेशनशिप है ये बाइनरी है, इसमें कोई टर्शियरी चीज नहीं है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और दो चीजें होंगी, तभी हम उसे अपोजिट पढ़ सकते. दोनों का मतलब अलग अलग निकलता है, लेकिन जैसे कि आप कह रही थी कि होम एनवायरनमेंट से ये समझ में आता है कि कौन सा बच्चा किस तरह के वर्ड सीखता है. लेकिन तो भी मतलब ओवरबर्डन तो नहीं होते बच्चे अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा इस तरह के वर्ड सिखाएं. आजकल बहुत तरह के टेस्ट और एग्जाम्स वगैरह होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पार्टिसिपेट करे, और उसमें भी इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं. तो क्लास वन के लेवल पे भी बहुत सारे मुश्किल वर्ड्स भी होते हैं जिनका शायद वैसे बच्चों को मतलब ना पता हो, लेकिन हम उन्हें याद कराते हैं कि नहीं नहीं याद करो क्योंकि एग्जाम में आएगा. तो ये ओवरबर्डन तो नहीं होता है, और इसको कैसे पेरेंट्स बैलेंस कर सकते हैं? नेहा जी, मुझे तो ये लगता है कि जबरदस्ती वाली टीचिंग, जबरदस्ती वाली प्रीचिंग तो हमें बच्चों के साथ करनी ही नहीं चाहिए. अगर हम उसे रटा रहे हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ में उसको यूज नहीं कर पाएगा, रटवाना, उसके दिमाग में घुसाना कोई वर्ड इज नॉट सफिशियंट. हमारे एनसीईआरटी के लर्निंग आउटकम्स भी नहीं कहते हैं कि बच्चा किसी चीज को रटे. अगर वो उसको यूज कर पाता है अपनी लाइफ में किसी चीज में, तो हम मान के चलते हैं कि उसको वो वर्ड आता है, तभी उसको सिखाने का फायदा है. अगर हमें कोई नया वर्ड भी बच्चे को सिखाना है तो इस तरीके से सिखाएं जो कि वो अपनी लाइफ में यूज कर पाए. जबरदस्ती वाली प्रीचिंग हम अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा. सिर्फ असेसमेंट या एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को सिखाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, और इस तरीके की असेसमेंट की प्रोसेस को भी हमें लगता है बदलने की जरूरत है. बिल्कुल. और इस वक्त अगर जैसे बच्चे घर में हैं और कुछ बच्चों के पास अभी नए सेशन की बुक्स भी नहीं आई होंगी, जैसे जो छोटे बच्चे अभी क्लास वन में आए हैं, और अगर उनके पास बुक्स नहीं है तो पेरेंट्स को नहीं पता कि क्या कैसे पढ़ाए, तो कुछ इस तरह का ऑनलाइन मटेरियल आप बता सके, या आपने जो एक्टिविटीज दिखाई है इस वीडियो को बाद में आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी ऑफिशियल पर देखिए, और इससे वो एक्टिविटीज भी कॉपी करके अपने पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं. जी नेहा मैम, जैसे छोटी छोटी एक्टिविटी अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ करें, छोटा सा कोई बैकग्राउंड बनाया स्टोरी का कि एक बार एक मुर्गी थी एंड शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर, कैसे पिएगी, एक बार उसे अपनी चोंच को नीचे करना होगा एंड फिर ऊपर करना होगा पानी पीने के लिए, तो हम इसमें अप एंड डाउन भी बता सकते हैं. सो शी वुड हैव टू डू डाउन लाइक दिस एंड देन टेक वॉटर फ्रॉम हिज बी हर बीक एंड देन डू लाइक दिस टू गल्प द वॉटर. So like this, we can think of other methods कि जानवर कैसे पीते होंगे. आप भी पी के देखो कि एक मुर्गी कैसे पीती होगी, चिड़िया कैसे पीती होगी. ऐसे पहले नीचे down and then up, down, up, so इस तरीके से जब हम विजुअल करते हैं बच्चों के साथ तो उन्हें ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है और वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है और वो रिलेट कर पाते हैं जानवर कैसे पीते हैं, हम कैसे पीते हैं, वो डिफरेंसेस भी देख पाते हैं. जी जी, अपोजिट ऑफ स्काई सवाल है व्यूअर का. अपोजिट ऑफ स्काई वुड बी अर्थ, बट एक्चुअली ये दोनों चीजें एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है, यूनिवर्स का हिस्सा है, तो एक्चुअली दे आर नॉट अपोजिट, दे आर रिलेटिवली अपोजिट. हम कैसे देखते हैं, वो ऊपर है तो स्काई, ये नीचे है तो अर्थ, तो इस तरीके से हम ये अपोजिट वाला रिलेशन देखते हैं. मैंने बोला ना कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं चीजें. जैसे कि अभी आपने ऊपर और नीचे की बात की, तो उसी तरह अगर स्काई ऊपर है तो उसके नीचे, यहाँ नीचे हमारे पास जो है उसको हम उसका अपोजिट बना लेते हैं, और स्काई इतना वास्ट है तो उसको हम अर्थ से रिलेट कर लेते हैं क्योंकि अर्थ भी इतना वास्ट है, तो स्काई का उल्टा अर्थ हो जाएगा. थैंक यू सो मच. जी आप कुछ कह रहे हैं. एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वो ऊपर और ये नीचे, तो वो वाला रिलेशनशिप रिलेट कर पाता है. बिल्कुल सही कहा आपने. थैंक यू सो मच इतने सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हमें समझाने के लिए. तो अब अपोजिट वर्ड्स लर्न करना बच्चों बहुत आसान हो जाएगा, और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ देख रहे हैं तो वो अब जानते हैं कि उन्हें आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे लर्न कराना है. तो आप हमारे साथ बने रहिए, और पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों के साथ बैठकर इन कार्यक्रमों को देखें, इन हमारे एक्सपर्ट से सीखें कि वो अपने बच्चों को कैसे इतने अच्छे तरीके से आसानी से ये चीजें
सिखा सकते हैं और एक्टिविटीज करते हुए बहुत ही इजी हो जाता है और चंद ही मिनटों में क्लास फोर आपका. थैंक यू सो मच नीरज मैम फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच. चंद ही मिनटों में क्लास फोर के बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं हाउ न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज्ड एज रिसोर्सेज इन एनवायरमेंटल स्टडीज लर्निंग. पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू कैन वॉच दिस. थैंक यू सो मच. नमस्कार.